जी बताओ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हम करने जा रहे हैं वो है 14.6। 14.6 की जो स्टेटमेंट है वो है, यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलिनॉइड दैट गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड 10.0 एम्पीयर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलिनॉइड शुड हैव। जी बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स हमने मालूम करनी है, हमें गिवन में जो है वो लिखते हैं, सॉल्यूशन में जो गिवन दैट है, हमें बी जो है वो दी गई है, करंट दिया गया है, और वी नो दैट व्हाट इज़ दिस, और एन जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। बी हमें दी गई 0.10 टेस्ला, करंट जो है वो है 10 एम्पीयर, ठीक है, और म्यू नॉट आपको पता क्या होता है, 4π·10⁻¹⁷ वीबर पर मीटर पर एम्पीयर, ये वैल्यू होती है जी। इसकी वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 0.4π·10⁻¹⁷, थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं एक दफ़ा, जो म्यू नॉट है बच्चों उसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, यस, वीबर पर एम्पीयर पर मीटर या पर मीटर पर एम्पीयर, मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है। बहरहाल फार्मूला जो है हमने इसमें यूज़ करना है वो नंबर ऑफ टर्न मालूम करनी है, फार्मूला हम यूज़ करेंगे एम्पीयर्स लॉ का, और एम्पीयर्स लॉ का फार्मूला आप लोगों को पता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, एन इक्वल आ जाएगा बी डिवाइड बाय म्यू नॉट इंटू आई। वैल्यू इंसर्ट करते हैं, बी की वैल्यू है 0.10, म्यू नॉट है 4π·10⁻¹⁷ वीबर पर एम्पीयर पर मीटर, मैं लिख दिया है पर एम्पीयर पर मीटर, ठीक है, ओके। करंट है जी 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको जब आपने सॉल्व करना है तो एन जो है आपके पास आ जाएगा 7.96 10⁻³ टर्न्स पर एन, ठीक है, 7.96 10⁻³ नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल जो है, ये ना भी लिखा हो तो कोई जरूरत नहीं है, टर्न्स ही आती हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है आपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, हमें मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, करंट दिया गया है जो मैक्सिमम एक्सीड करंट है, और म्यू नॉट जो है, ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ स्पेस जो है, फ्री स्पेस हमें पता है, और एन जो है वो हमने मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो हम करने जा रहे हैं, उसे भी देख लेते हैं, वो है 14.7 जी, 14.7 न्यूमेरिकल है आपका। 14.7 न्यूमेरिकल को हमने किस तरह करना है, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे इसके अंदर भी, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। वर्ड करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनॉइड दैट इज 0.5 मीटर लॉन्ग विद 10,000 टन्स ऑफ कॉपर वायर सो दैट इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.4 टेस्ला। जी गिवन दैट में है, हमें बी दी गई है, हमें लेंथ दी गई है, हमें नंबर ऑफ टन्स जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है, और क्या क्या गिवन है जी, यस, ये चीज़ें जो हैं हमें गिवन है, और हमने करंट जो है वो मालूम करना है, और म्यू नॉट की वैल्यू फिर वही हम यूज़ करेंगे 4π·10⁻¹⁷ वीबर पर एम्पीयर पर मीटर, ठीक है, ये दी गई हमें 0.4 टेस्ला, ठीक है, लेंथ दी गई है 0.5 मीटर, और नंबर ऑफ टर्न्स है 10,000, फॉर्मूला हमारा वही होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है, या इसको हम थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस तरह, म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई एज इट इज आ जाएगा। आई हमने मालूम करना है बच्चों, इसको रीअरेंज कुछ इस तरह करना है, आई मालूम करना है, एल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आगे बी के साथ, ये नीचे क्या हो जाएंगे, दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ये दोनों न्यूमिनेटर में नीचे डिवाइड हो जाएंगे, बी के नीचे आ गए वो डिनोमिनेटर में, बी के साथ जो है एल वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं,
तो I जो है, इधर मैं वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, लेंथ है 0.5 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाय 4 पाए 10 रेस टू पावर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000। ओके बच्चों, सिंपली कैलकुलेटर अपने उठाना है, मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे वाला मल्टीप्लाई करके इनकी रेशियो ले लेनी है। तो आंसर जो आता है वो आपके पास आता है 16 एम्पेयर का, 16 एम्पेयर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ही ज़्यादा आसान है, सिंपली आपने क्या करना है, वैल्यूज इंसर्ट करनी है और आपके पास इसका आंसर आ जाना है। इससे जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अब हम उसको देख लेते हैं, जो कि है 14.8। ओके, 14.8 को थोड़ा सा चेक कर लें। 14.8 जो है उसमें हमें क्या क्या गिवन है, अ गैल्वेनोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस RG 15.0 ओम गिव्स फुल डिफ्लेक्शन विद करंट IG 20.0 मिली एम्पेयर, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10.0 एम्पेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंट RS। ओके बच्चों, जो हमें गिवन दैट है वो लिख लेते हैं, हमें गिवन दैट है RG, हमें गिवन दैट है IG, ठीक है, हमें गिवन दैट है I, और RS जो है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है, ठीक है। ओके जी, सो RG जो है, जो गलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो है 15 ओम, जो करंट है गलवानोमीटर का, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो IG वो है 20 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 10^-3 एम्पेयर। ओके, और I जो है, ठीक है, जो एम मीटर की रेंज है वो है 10 एम्पेयर की, ठीक है। RS जो शंट रेजिस्टेंस है, जो बाईपास रेजिस्टेंस होती है, वो हमने मालूम करनी है। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, RS इक्वल्स IG RG ओवर I माइनस IG, ये आपका रिक्वायर्ड फार्मूला है जी, बिल्कुल यही फार्मूला आपका। हमने वैल्यू इंसर्ट करनी है सिंपली, IG जो है हमें गिवन है 20 मिली एम्पेयर था, 10^-3 कर देंगे, मल्टीप्लाई RG जो है वो है 15 डिवाइड बाय I दिया था हमें 10, और IG है 20 10^-3, ठीक है। ओके जी, इसको जब आप सॉल्व कर लो, तो सोल्व करके आपके पास, अगर हम इसको सोल्व करें तो ऊपर वाले का आंसर 0.3 डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करने के बाद 0.9.98, और इसको जब हम, इसकी जब हम रेशियो लेंगे 0.3 ओवर 9.98 की, तो आंसर आता है 0.03 ओम जी। RS क्या आ गई, RS की वैल्यू आ गई 0.03 ओम। तो ये रिक्वायर्ड आपका आंसर है, ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल था, इसको भी आपने देख लेना अच्छी तरह, सिर्फ आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसको देख लेते हैं, जो कि आपका वोल्ट मीटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रहा है, 14.9। जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर 50.0 ओम एंड रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट ऑफ 2.0 मिली एम्पीयर, शो बाय अ डायग्राम हाउ टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू, ओके, शो बाय डायग्राम टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर रीडिंग 200 वोल्ट फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो गिवन दैट में हम लिखते हैं, गिवन दैट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमें इसमें गैल्वेनोमीटर की दी गई है, ओके, RG हमें गिवन है इसमें 50 ओम, IG है हमें, RG IG और हमें क्या क्या गिवन है जी, यस, इसमें हमें V जो है वो हमें गिवन है 50 ओम, और IG है 2 मिली एम्पेयर, इसको लिखेंगे 2 10^-3 एम्पेयर, वोल्ट है 200 वोल्ट, ठीक है। मालूम हमने क्या करना है, मालूम हमने करनी है रेजिस्टेंस ऑफ द
गलवानोमीटर जो है वो मालूम करनी है, जो कि कन्वर्ट करेंगे इसको उसमें. ओके, तो फार्मूला आपको पता है क्या होता है, आर एच इज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी. ठीक है, तो आर एच इज इक्वल टू 200 ओवर 2 10 रेस टू पावर माइनस 3 माइनस 50. ओके बच्चों, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर जो बुक के अंदर वही आ जाएगा, आंसर आपके पास आएगा 1299 50 ओम. इसको आप जब सोल्व करोगे ऊपर 200 रह जाएगा. ठीक है, ओके, तो यस, इसको आप जब सोल्व कर लोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाता है. क्या करना है आपने, इसको अगर लिखें भी तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0.002 माइनस 50, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, इसके जब रेशियो लोगे तो आपके पास आंसर जो है ये आ जाता है आंसर आपके पास. ओके, लास्ट वन क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमने क्या क्या मालूम करना है. उसके अंदर हमने R1, R2 और R3 जो है वो क्या करना है, मालूम करना है. उस न्यूमेरिकल को आप देखते हैं.